मैं हमारी पति आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। ये जो स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं ये मुंबई रेलवे का ही वीडियो है। हमने लगातार ये दिखाया था कि कुछ रील्स बनाने वाले टिकटॉक बनाने वाले लोगों ने रेलवे को एक टिकटॉक और रील्स का प्लेटफॉर्म बना के रखा है। ये लोग आए दिन रेलवे में ट्रेन के अंदर खतरनाक स्टंट करते हुए रील्स बनाते हैं जो कि इनकी रील्स वायरल होती है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई खासी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। इन लोगों को सिर्फ धर दबोचा जाता है और एक माफीनामे का वीडियो और एक छोटा सी फाइन मार के इन लोगों को छोड़ा जाता है। यही कारण आए दिन लोग एक रेलवे प्लेटफॉर्म को और ट्रेनों को इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना रख के रखा है, अड्डा बना के रखा है। आप देख सकते हो कि ये जो स्क्रीन पे जो वीडियो चल रहे हैं इसमें किस तरह ये लोग रेलवे के कानून का उल्लंघन करते हुए आम आदमियों के बीच में किस तरह खतरनाक स्टंट करके वीडियो बना रही है। बहुत बड़ा सवाल बनता है रेलवे के लिए, क्योंकि बहुत से हादसे भी हो चुके हैं ऐसे में, लेकिन रेलवे द्वारा कुछ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये लोग लगातार अपनी जो वीडियो है, जो रील्स है, इस तरह ट्रेनों में लटक कर प्लेटफॉर्म पर पब्लिक के बीच बनाते हैं, लेकिन इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। इसलिए यही नहीं, और क्रिएटर लगातार सोशल मीडिया पे हज़ारों की तादाद में ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो कि रेलवे को इन लोगों ने अपना एक प्लेटफॉर्म बना के रखा। अब ये बहुत बड़ा सवाल बनता है रेलवे पुलिस के लिए कि ऐसे लोगों को एक सख्त से सख्त कानून की ज़रूरत है और एक सख्त से सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, ताकि ये लोग आने वाले वक्त में रेलवे में ऐसे खतरनाक स्टंट करके वीडियो ना बना सके कि जिसे देख कर और लोग भी वीडियो बनाए और उनकी जान चली जाए। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।